अंकिता भंडारी हत्याकांड आरोपियों की पैरवी करने से वकीलों का इनकार, जमानत पर सुनवाई टली। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर की कोर्ट में पैरवी करने से कोटद्वार के वकीलों ने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से सभी आरोपियों की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। वहीं कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा कि अगर अंकिता हत्याकांड को लेकर कोई अधिवक्ता बाहर से आरोपियों की पैरवी करने आते हैं तो बार एसोसिएशन उसका पूरा विरोध करेगी। अंकिता मर्डर केस बंदूक पकड़े नजर आए आरोपित पुलकित के पिता भाई, हरदा बोले सत्ता के वीआईपी। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के पूरे उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं हत्या आरोपियों की सत्ता से नज़दीकी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। इन फोटो में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई संघ की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। गोपाल मणि महाराज ने लंपी वायरस को बताया चीन की साजिश, गांव को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। श्रीनगर पहुंचे गोगथा वाचक गोपाल मणि महाराज ने लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस चीन की साजिश है, वह भारत की सभी गायों का मारना चाहता है, किन सरकार को इसकी जाँच करानी चाहिए, साथ ही गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। आईटीबीपी ने बद्रीनाथ धाम में चलाया सफाई अभियान, 28 सितंबर को बद्रीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान आईटीबीपी के जवान रस्सियों के सहारे अलकनंदा नदी के तट पर उतरे और वहां से भी कूड़ा साफ किया। बद्री केदार मंदिर समिति पर लगा तबादला एक्ट के उल्लंघन का आरोप, हमलावर हुई कांग्रेस। कांग्रेस ने बद्री केदार समिति पर तबादला एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य यात्रा काल में बद्री केदार मंदिर समिति ने 70 कर्मियों का स्थानांतरण कर डाला, जिसमें 17 कर्मियों के नियम विरुद्ध प्रमोशन किए गए हैं। कीर्तिनगर के पास बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोग घायल। कीर्तिनगर के पास सड़क हादसा हुआ है, शादी समारोह से लौट रही एक बस डागर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बस सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हाईकोर्ट ने सीएस को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा, पूछा राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने के पहले आदेश का क्या हुआ। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर के देहरादून के रहने वाले एक व्यक्ति ने जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव SS संधू को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा और पूछा कि साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर जो राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने का आदेश दिया था, उस पर क्या निर्णय लिया गया। मसूरी पालिका ने एक्सीडेंट जोन में बना दी 19 अनऑथराइज दुकानें। मसूरी नगर पालिका ने अनाधिकृत रूप से दुकानें बनाई हैं, जिन पर संबंधित विभागों ने आपत्ति जताई है। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन दुकानों को हटाने की मांग की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला, नगर निगम में खुशी की लहर। हरिद्वार नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है, जिसके बाद से नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वहीं हरिद्वार महापौर अनिता शर्मा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों की मेहनत भी इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में रंग लाई है। अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन में मसूरी के प्रशासन, अवैध होटल रिजॉर्ट और होम स्टे पर की छापेमारी। मसूरी में प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें अवैध होटल रिजॉर्ट और होम स्टे पर एक्शन लिया गया। देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि यहां अनियमितताएं पाई गई हैं, ऐसे होटल संचालकों पर आर्थिक दंड के साथ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अंकिता हत्याकांड संदेहास्पद है, निलंबित पटवारी वैभव प्रताप, DM ने CR में की थी प्रतिकूल प्रविष्टि। अंकिता हत्याकांड में निलंबित किया गया पटवारी वैभव प्रताप पहले से ही विवादों में रहा है, अब पटवारी वैभव प्रताप की कारनामे सामने आ रहे हैं। पटवारी वैभव प्रताप सिंह पर यमकेश्वर तहसील के तल्ला वणास में सरकारी चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करवाने का आरोप था। अंकिता हत्याकांड, अभद्र टिप्पणी करने वाले RSS नेता पर भड़का जनक रोष, गिरफ्तारी को लेकर थाने का घेराव। अंकिता हत्याकांड पर अभद्र टिप्पणी करने वाले RSS नेता विपिन कर्णवाल का विरोध तेज हो गया है। आज आक्रोशित लोगों ने RSS नेता विपिन कर्णवाल की गिरफ्तारी की मांग की, जिसे लेकर लोगों ने रायवाला थाने का घेराव किया।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर कांग्रेस नेता वीआईपी का नाम सामने लाने की मांग। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने धरना दिया और हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस ने मामले में हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का भी आरोप लगाया है। पूर्व डीजीपी आलोक बिलाल ने वनता रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का बताया गलत, दिए तर्क। अंकिता भंडारी हत्याकांड में यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर तल्ला में स्थित बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के वनंतरा रिजॉर्ट पर रात के समय बुलडोजर गरजा। बुलडोजर की कार्रवाई सवालों के घेरे में। अब उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी आलोक बी लाल ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गलत ठहराया है। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के पैतृक गांव खुंट के मंदिर में चोरी, गोलू देवता का चढ़ाया उड़ाया। तो खुंट गांव में चोरों ने मंदिर में सेंध लगाई है। चोर गोलू देवता के मंदिर के गुल्लक को तोड़कर हजारों की नकदी उड़ा ले गए। गर्जे मंदिर पहुंचे जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ। टीले में आई दरारों का किया निरीक्षण। तो रामनगर स्थित गर्जिया मंदिर के टीले में दरार आ गई है। दरारों का निरीक्षण करने जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पहुंचे। अंकिता हत्याकांड आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन, डीएम कैंप का घेराव। तो हल्द्वानी में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अंकिता की हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, 9 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य। यूपी के धान की खरीद पर प्रतिबंध। तो उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। आरएफसी कुमाऊ बीसी चलाल ने बताया कि सरकारी क्रय एजेंसियों के माध्यम से 3 लाख मीट्रिक टन जबकि निजी एजेंसियों के माध्यम से 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। विधवा महिला ने कंडक्टर पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। तो लक्सर से खबर, लक्सर में बस कंडक्टर ने एक विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शारीरिक शोषण किया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंकिता के परिजनों को उत्तराखंड सरकार देगी 25 लाख की आर्थिक सहायता, सीएम धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड सरकार अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसके अलावा ऋषिकेश निवासी कैलाश सेमवाल ने अंकिता भंडारी के गांव जाकर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। निर्माणाधीन कार्यों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री का अल्टीमेटम, डीएम को हर महीने समीक्षा के निर्देश। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्माणाधीन शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा वनंतरा रिजॉर्ट यूट्यूबर के लिए बना हॉटस्पॉट, वीडियो बनाने की होड़। अंकिता हत्याकांड के खिलाफ उत्तराखंड में भारी रोष है। लोग रोज धरना प्रदर्शन करके अंकिता की हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। उधर पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वनंतरा को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स वनंतरा रिजॉर्ट के वीडियो शूट करने आ रहे हैं। यूट्यूबर का कहना है कि लोग उनसे वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, 270 टेबलों पर हो रही काउंटिंग। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, जल्द ही पहला चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। अंकिता भंडारी के परिजनों पर अभद्र टिप्पणी करने पर भड़की कांग्रेस, केस कमजोर करने का लगाया आरोप। तो सोशल मीडिया पर अंकिता के परिजनों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा है। अंकिता मर्डर केस के बाद सेमी गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्राएं, यूकेडी ने किया उत्तराखंड बंद का ऐलान। श्रीनगर में 3 साल से लापता है एक महिला, ममता की तलाश में भटक रहा परिवार। तो उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से लापता ममता जोशी बगोड़ा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ममता 25 नवंबर 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजन ममता की तलाश में दर दर भटक चुके हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की हत्या मामले की सुनवाई, आरोपियों को नहीं मिली राहत। तो 2014 में चक्राता में हुई हत्याकांड के मामले में आज हाईकोर्ट ने आरोपियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत की सजा बरकरार रखते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को नियत की है। एडमिशन की मांग को लेकर के छात्रों में बवाल, कॉलेज की छत पर चढ़ किया प्रदर्शन। तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र कॉलेज में 40% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर आज छात्रों ने बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया।
विकास नगर आपदा क्षेत्रों का जिला प्रशासन ने लिया जायजा। प्रीतम सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। वही खबर है, बागेश्वर से कार से उतर किशोरी ने सरयू नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी। भटखोला क्षेत्र की एक किशोरी ने बिलोना पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन किशोरी की खोजबीन में जुट गई, साथ ही किशोरी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सऊदी अरब में फंसा टेरी का शुभम, परिजनों ने विदेश मंत्री से मांगा मदद। टेरी जिले का रहने वाला युवक सऊदी अरब में फंस गया। युवक के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। युवक सऊदी अरब में एक होटल में नौकरी करता था। सल्ट में 10,000 की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कानूनगो गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा की सल्ट तहसील में कार्यरत कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद विजिलेंस से उसे लेकर हल्द्वानी रवाना हो गई। वहीं खबर है, देहरादून से 68 बदमाशों पर पुलिस लगाएगी गुंडा एक्ट, 76 भूमाफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट। देहरादून पुलिस ने लंबे समय से अपराध में लिप्त 68 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है।